वेलकम है दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर। तो बेसिकली आज का ये जो वीडियो है ना दोस्तों, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि रीजन से यहाँ पे मैं कुछ ऐसे फॉर्मूले आपको बताऊंगा जहां से ट्रेंडिंग मार्केट का शुरुआत होता है, यानी कि जब भी मार्केट में कोई भी पैटर्न्स बन रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग का जो एक पैटर्न बन रहा है उसके बाद हमें किस तरीके से देखना है कि कौन से स्टेप वाला पैटर्न चल रहा है कि वहां पे हम लॉन्ग करें या तो फिर शॉर्ट करें। तो वीडियो के अंदर बहुत सारे एग्जांपल दूंगा आप लोगों के साथ। यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स हैं हमारे सामने, तो एक ही कॉइन को हम रेंडमली यहाँ से निकालेंगे और बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम एक एक पॉइंट्स को यहाँ पे समझने वाले हैं। जैसे कि मार्केट में अगर आप देखोगे तो बहुत डिफरेंट पैटर्न्स आपको देखते हुए नजर आएंगे, असेंडिंग, डिसेंडिंग, डबल बॉटम, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, ऐसे ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले। लेकिन वो एक्चुअल किस फॉर्मूले के बेस पे जो वहां से कैंडल उठ के ऊपर गया है, उस पॉइंट को यहाँ पे हम समझने वाले हैं, और उसने शुरुआत कहाँ से किया और कहाँ तक अभी ये चल रहा है, कितना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स के अंदर देना कि आपको जो ये वीडियो है कैसा लगा। पूरा वीडियो देखना, जरा हो सके बड़ा बन सकता है। तो चलिए यहाँ पे ये ट्यूटोरियल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, जब भी आप कोई चार्ट ओपन कर रहे हो, फ्रॉम एग्जाम्पल्स के हम यहाँ पे हमने CFX के चार्ट को यहाँ पे ओपन किया है। अभी हम डायरेक्ट इस मार्केट के अंदर आए तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि प्राइस कुछ यहाँ पे चल रहा है, एज हम लाइव मार्केट बात करने वाले यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट को लेके। अभी यहाँ पे हमें डिसीजन क्या लेना है कि यार मुझे शॉर्ट करना है कि मुझे लॉन्ग करना है। तो जब भी ऐसा चार्ट आप जब भी शुरुआत करो जब भी आप शुरुआत करो तो फर्स्ट आपको ऐसे पीछे आना है और सबसे फर्स्ट पैटर्न आपको वहां पे ये ढूंढना है, डबल बॉटम, जिसको W पैटर्न बोला जाता है। क्योंकि जब आपने वो पैटर्न ढूंढ लिया तो समझ जाना कि आपको वहीं से शुरुआत करना चाहिए था। अब तो यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और जब कोई चैनल बनेगा तब हम ट्रेड करेंगे। ओके, तो मैं यहां से देखिए ऐसा रेंडमली हम पीछे की तरफ आते हैं और यहाँ पे मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है कि प्राइस यहां से डंप हुआ यहां तक, अगेन एक पुल बैक लिया, लेकिन अगेन प्राइस इसके पास भी नहीं आ पाया, यानी कि यहां से जो बायर्स हैं इसको उठा लिए प्राइस को। ओके, अब ये प्राइस कहां तक गया, यहां तक गया। तो फर्स्ट मीटर हमें ये ढूंढना है हर एक चार्ट के अंदर, तो उससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये जो चैनल चला है कितना लंबा चला है और यहाँ पे शुरुआती दौर पे जिन्होंने एंट्री किया कितना प्रॉफिट बुकिंग किया है। ओके, तो ये पॉइंट पे हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आए, यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स है, जरा सा मैं ये मैं 20 को यहाँ पे हटा देता हूँ। अब हमने ये देखा, अब हमारी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए थी, जस्ट ये कैंडल के ब्रेकआउट पे। क्यों? क्योंकि ये जो W पैटर्न, कभी भी अगर ऐसा और भी W पैटर्न दिखाएंगे जो फेलियर बनते हैं, मैं उसको भी आपको बताऊंगा कैसे समझना है। अब यहाँ पे अगर आप प्राइस को देखोगे, प्राइस एक डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड के अंदर फ्लो हुआ, तो अप ट्रेंड में फ्लो होते ही प्राइस में क्या बना, फर्स्ट W पैटर्न, यानी कि प्राइस इसके यहां तक आ पाया, मोर देन नहीं भी आ पाया, मोर देन आता है और यहीं से रिवर्स होके भी जाता है प्राइस, तो प्रॉपर W हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत बहुत बार आप देखोगे प्राइस यहाँ पे आया, अगेन ऊपर गया, प्राइस यहाँ पे आया, अगेन ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं थी। क्यों? प्रीवियस के पेवट को ब्रेकआउट नहीं किया और हमें पेवट का काउंट आउट करना है। ओके, अगर प्राइस में ये मोमेंटम होता कि प्राइस यहाँ पे आया और यहाँ पे पेवट बनाया और यहीं से प्राइस अगर ब्रेक हो जाता तो ये प्राइस नॉर्मली यहीं से पंप हो जाता। ओके, क्योंकि बायर्स इस पेवट की ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेंगे। तो फर्स्ट हमने क्या सीखा कि यार जब भी हमें W पैटर्न मार्केट में मिले तो हमें वहां पे ट्रेड देखना है, लेकिन एक डाउन ट्रेंड के बाद। ओके, यहाँ पे ब्रेक के ऊपर जिसने भी एंट्री बनाया है अच्छा खासा पूरा का पूरा प्रॉफिट बनाया, अच्छा खासा वेट करके। अब उसके बाद ब्रेकआउट के बाद सेकेंड इसके अंदर क्या बनता हुआ अपने को नजर आ रहा है, तो ब्रेकआउट के बाद जो नया हाई बनाया है ये बनाया है प्राइस ने। ओके, हमेशा हमें रिसेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। अब जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे टच किया, यहाँ से गिरा प्राइस, तो प्राइस कौन से रेंज में गया, इस रेंज में गया, यानी कि प्राइस इस समय हमें साइडवेज मोड पे जाता हुआ नजर आया प्राइस। ओके, यहाँ पे देखिए साइडवेज 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 और सडनली साइड बेस का इस पर ब्रेकआउट हुआ है। तो हम यहाँ पे ना पॉइंट नोट करेंगे, एक पॉइंट का ब्रेकआउट यहाँ पे हमें मिला,
दूसरा ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिला, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, जो हमारा फर्स्ट स्टेप बाय करने का होगा ना, तो वो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ना फर्स्ट जो एंट्री हमारा होगा यहाँ पे होगा। कभी भी ऐसे कैंडल ढूंढो वहां पे फर्स्ट एंट्री लेने का प्लान करो। ये क्या हुआ, ये सेकेंड एंट्री प्लान हो गया। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से प्राइस निकल गया प्रॉपर और इसका ब्रेकआउट किया तो प्राइस ने पंप किया। अगर ब्रेकआउट नहीं करता तो प्राइस यहाँ तक रिटेस्ट करने के लिए आ सकता था। ओके, तो यहीं से प्राइस ने ब्रेकआउट किया और इसके अंदर एक ट्रेंड कंटिन्यू चला। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे अपने को और क्या देखने के लिए मिला सेकेंड बार। ओके, सेकेंड ब्रेकआउट। अब एंट्री प्लान देखना, अगर आप यहाँ एंट्री प्लान करोगे तो आप बहुत ज्यादा फायदे में हो। यहाँ पे करोगे तो ये जरा सा रिक्सेबल एंट्री हो जाते हैं। ओके, अब इसके ब्रेकआउट के बाद प्राइस कंटिन्यू कहां तक गया, यहां तक गया। अब हम यहाँ पे भी एक मार्क कर लेंगे। ओके, अब इस मार्किंग के बाद प्राइस डाउन कहां तक आया, प्राइस यार यहां तक डाउन आया। ओके, तो ये कितनी बार है, थर्ड टाइम है, थर्ड। तो हम यहाँ पे चलो लिख देते हैं थर्ड। अब आप यहाँ पे नोट करो, एक एक चीज को नोट करो। फर्स्ट ब्रेकआउट डब्ल्यू पैटर्न का, यानी कि जब भी मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड के दौरान या तो एक डाउन ट्रेंड के दौरान अगर आपको डब्ल्यू पैटर्न फर्स्ट टाइम में मिल जाएगा तो वहां पे आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। सेकेंड, मान लो साइडवेज मोड भी यहाँ पे प्राइस जा सकता है। कब? डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ओनली फ्रॉम द फर्स्ट डब्ल्यू पैटर्न, ऐसे पैटर्न मिले तब आप वहां से एक अच्छा लॉन्ग करो। सेकेंड ब्रेकआउट हमें यहां से मिला तो यहां से हमने यहां तक का प्रॉफिट हमने मान लो गेन किया। फिर उसके बाद प्राइस देखते, फिर प्राइस एक एरिया में जाके वहां पे फंस गया, यानी कि साइडवेज मोड हो गया। काफी बार रेजिस्टेंस को फेस किया, उसके बाद सडनली ब्रेक किया। तो यहाँ पे थर्ड टाइम यहाँ पे लोगों ने अपनी एंट्री बनाया और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया। ओके, अब यहाँ पे देखना, एक चीज को नोट करना, हमने अभी तक क्या बात बोला है, डब्ल्यू पैटर्न कहां से, डाउन ट्रेंड के दौरान अप ट्रेंड में अगर हमें शो करे तब वो मजबूती एक होता है उस ट्रेंड के अंदर। ओके, अभी ये प्राइस क्या मोमेंटम किया, यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं, ये देखो यहां से डंप हुआ प्राइस यहाँ पे आया। अब इसके बाद प्राइस यहाँ पे मोर देन यहां तक आया। अब अगर मैं इसको, इस प्राइस को मैं यहां से मूव करूं तो यहाँ पे ये पैटर्न क्या बन गया, यहाँ पे अगर ऐसा हम देखो तो ये पैटर्न एम पैटर्न बन चुका, यानी कि डबल टॉप पैटर्न। और जब भी एक डबल टॉप पैटर्न बने तो हमें वहां पे एक संकेत मिल जाता है कि प्राइस वहां से शिफ्ट ले सकता है। यानी कि इस कंडीशन में जब प्राइस यहां से इसको ब्रेक किया तो एक अप ट्रेंड की शुरुआत किया, प्राइस ने यहां से इसको ब्रेक किया तो अप ट्रेंड की शुरुआत किया। लेकिन यहां पे प्राइस ब्रेक तो किया बट सस्टेंस नहीं हो पाया, और उसके बाद सेम प्राइस से प्राइस यहां पे डाउन हो रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड का निकलाइन क्या हो गया, ये हो गया डाउन ट्रेंड का निकलाइन। अभी हमने क्या देखा, ये ट्रेंड को जब प्राइस यहां से ब्रेक डाउन करता है तो यहां पे देखिए प्राइस ने ब्रेक डाउन किया, सडनली धीरे धीरे गया, यहाँ पे पूरे शॉर्ट वालों को लिक्विडेट कर दिया, जितने भी आजू बाजू वाले स्टॉप लॉस थे। और उसके बाद प्राइस ने क्या किया, एक सडनली एक डंप दिया। अब यहां से जो भी लोग शॉर्ट ऑर्डर लगाएंगे अब धीरे धीरे इस ट्रेंड के अंदर प्राइस चलना चालू हो जाएगा। अब प्राइस क्या करेगा, या तो इस चैनल के अंदर चलेगा या तो फिर इस चैनल में उतर के आराम से अपना सस्टेंस करेगा कुछ समय, जब तक ये चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन नहीं हो जाता। समझे दोस्तों? तो इस तरीके से हमें ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड बन चुका है, यहाँ पे देखिए प्रीवियस पिवट से नीचे आ गया प्राइस, तो लोअर हाई और हायर लो, सॉरी लोअर हाई लोअर लो का यहाँ पे फॉर्मेट यहाँ पे काम करेगा। रीजन देखते हैं, देखिए यहाँ से जो प्राइस था ये मोमेंटम को पकड़ा है और ये जो प्राइस है इस निक लाइन से लेके यहाँ पे पकड़ा है, यानी कि इस चैनल के अंदर ये प्राइस का मोमेंटम हो गया। ओके, इसको मैं समझाया बहुत बारीकी से, आपने समझा होगा। तो आप ट्रेंड का हमेशा वेट करोगे कि कहाँ पे मैं ट्रेड लू तो मैं एक प्रॉफिट कर सकता हूँ। अब चलिए यहाँ पे मैं सिवा को भी देख लेते हैं, और सिवा के अंदर कुछ चार्ट ऐसे मैं बना के भी रखा हूँ, लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स को समझेंगे। हमने क्या बोला, डाउन ट्रेंड के दौरान हमें डबल डबल बॉटम चाहिए। तो अब देखना प्राइस के अंदर, यहाँ पे प्राइस कंटिन्यू कंटिन्यू फॉल हो रहा था, फाइनल फॉल क्या हुआ प्राइस का, ये हुआ ये। इसके बाद प्राइस ने क्या किया,
जो यहाँ पे पेवर्ड बनाया था प्राइस ने, यानी कि एक पुल बैक दिया था, इस पुल बैक के ऊपर प्राइस जा चुका है, यानी कि यहाँ पे बायर आ चुके हैं, ये एक्टिविटी हमें मालूम पड़ रहा है। अब फिर से प्राइस अगेन, फिर एक बार प्राइस को डंप होने दो। प्राइस क्या किया, डंप हुआ, यानी कि एक नया हाई यहाँ पे बन चुका है प्राइस के अंदर। ओके, क्योंकि इस हाई को ब्रेक करके प्राइस किया और यहाँ पे आ गया। अभी ये प्राइस यहाँ तक फिर से नहीं आ पाया, यानी कि पिछले लो के नीचे नहीं आ पाया प्राइस, यानी कि हायर का एक टाइम फ्रेम यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइस को देखिए मोमेंटम किया, अगेन प्राइस यहाँ पे नीचे आया। ओके, फिर यहाँ से जब इसका फाइनल ब्रेकआउट हो तो प्राइस ऊपर गया, यानी कि ये जो एरिया है, ये एरिया में अपने को ये साफ देखने के लिए मिला कि यहाँ पे बायर जो है धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहे हैं, सेलर वीक पड़ रहे हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे मान लो आपने एंट्री लिया, यहाँ तक हाई बना, प्रॉफिट बुकिंग किया, या तो आपने अभी तक वेट किया। अब हमने यहाँ पे एक मार्क करके रख लिया है, एक यहाँ पे मार्किंग छोड़ दिया है। ओके, अब प्राइस के अंदर दो ऑप्शंस थे, या तो प्राइस यहाँ तक आए पुल बैक ले, या तो प्राइस इसके ब्रेक आउट होने पे हम लॉन्ग की एंट्री प्लान करेंगे, और हमारा जो टारगेट होगा ये नेक्स्ट पेवट होगा बड़ा वाला, जो कि 386 का है। अगर प्राइस यहाँ पे हमें प्रॉपर ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है विथ वॉल्यूम के साथ में, तो हमारा टारगेट ये होगा, स्टॉप लॉस हम जस्ट वन कैंडल्स के नीचे का छोटा सा स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, और अपना यहाँ से हम एंट्री प्लान करेंगे, एंड डायरेक्ट हमारा 9% का यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो होगा। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ से प्राइस है, यहाँ से शिफ्टिंग हो चुका है प्राइस। तो ऐसे आपको एक एक चैनल आपको बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है। अभी चलिए, अपने पास और भी कॉइन है, और भी हम देखेंगे। अब हम इसको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं, यानी कि वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर। अभी वन डे के टाइम फ्रेम में क्या क्या हमें देखना है ना, उस चीज को समझते हैं। अब देखना प्राइस, और आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझेगा। देखिए मोमेंटम देखना, प्राइस कितना समय के बाद और क्या क्या पैटर्न बना रहा है। प्राइस डाउन ट्रेंड के दौरान प्राइस कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यानी कि ये एरिया फाइनल एरिया था। अब उसके ऊपर का पेवर्ट क्या था, ये इसका स्ट्रॉन्गली पेवर्ड था, प्राइस ने यहाँ पे पंप किया, अगेन आया, सस्टेंस किया, सस्टेंस किया, सस्टेंस किया, प्राइस ने प्रॉपर इस पेवर्ड को यहाँ पे ब्रेकआउट किया, बरोबर। तो ये जो हो गया, ये यहाँ पे लोगों की फर्स्ट एंट्री यहाँ पे बन गई है बड़े इन्वेस्टर की, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ के लोग जल्दी निकलते नहीं है, जल्दी यानी कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं, याद रखना, जब ऐसा पैटर्न के साथ में काम करता है। उसके बाद देखो आपको और उसके अंदर क्या क्या पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई इसको करेंगे, अब यहां से इसको देखेंगे ये अब कहां तक जा चुका है, और इसके बाद जब हमें इसके अंदर डब्लू पैटर्न मिलेगा तब हम एंट्री लेंगे, उससे पहले हम कोई भी एंट्री प्लान लंबे समय के लिए होल्डिंग प्लान नहीं करेंगे। ओके, अब यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, एक इस चैनल के अंदर प्राइस यहाँ पे मोमेंटम दे रहा था। अब उसके बाद हायर का क्या किया था, फ्रेम ये बनाया प्राइस ने। अब देखो सबसे फर्स्ट तो आपका यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न क्रिएट किया, प्राइस सीधा सडनली एक हाइप की तरफ यहाँ पे निकला, कुछ समय सस्टेंस किया वन डे के हिसाब से। ओके, अब प्राइस आया और फाइनल प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया, यानी कि सेकेंड टाइम का ब्रेकआउट ये है, ये फर्स्ट ब्रेकआउट है, ये सेकेंड ब्रेकआउट है। अब यहाँ पे इसका प्राइस ने कर दिया क्या, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट करने के बाद क्या प्राइस वापस आपको यहाँ पे आता हुआ दिखा, नहीं दिखा, यानी कि जो लोग यहाँ पे बाय किए वो पेशेंस के साथ होल्ड किए हैं, करके प्रॉफिट अच्छा बुकिंग किए हैं डब्लू पैटर्न वाले। अभी ये पैटर्न वाले ने क्या किया, यहाँ पे लॉन्ग किया और अभी तक होल्ड किए, मान लो तो अभी तक उनका ट्रेंड यहाँ पे प्रॉफिट में कंटिन्यू चल रहा है। तो इसके अंदर सेकेंड स्टेप बन चुका है। ओके, ये फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप। अब इसमें देखो आपको थर्ड थर्ड स्टेप आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे बनता हुआ। अब यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे यार मैं लॉन्ग करूँ शॉर्ट करूँ, तो दोस्त ऐसे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको चैनल दिखेंगे, ऐसे अगर हम रेंडमली ऐसा देखें तो पैटर्न मुझे कुछ इसमें देख चलता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सके प्राइस यहाँ से मोमेंटम यहाँ तक करे, फिर ऐसा सडनली ऐसे ऐसे सस्टेंस करे प्राइस, समझे आप। तो इस तरीके से आपको हमेशा चैनल को देखना है, समझना है, और अपना ट्रेड आइडेंटिफाई करना है कि मैं कहाँ से ट्रेड को लू। ये नहीं कि रेंडमली आपको इस ट्रेड के अंदर यहीं पे एंट्री मार लेना है, एंट्री का जो टाइम था आपका निकल चुका है। यहाँ पे देखो, यहाँ से जितने भी लोगों ने एंट्री बनाया है उनका प्रॉफिट देखो ना यार, डब्ल्यू पैटर्न के बाद की ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे वो 500% की प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो क्या वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। अब आपकी एंट्री कहाँ होगी, यहाँ पे कहीं होगी, तो
तो जैसे ही इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगा, प्राइस मालूम पड़ा शिफ्ट हो गया सीधा। अब आपकी एंट्री के हिसाब से आपने तो बड़ा लॉस कर लिया मार्केट के अंदर, समझा। तो कभी भी आपको पैटर्न के ऊपर बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना है, और उसके बाद आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करना है और वहां पे आपको ट्रेड लेना है। ये हमने 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ओपन किया, सेम चीज यहाँ पे गाला में देखो आप, 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर इस पैटर्न ने यहाँ पे देखिए परफेक्ट इसका ब्रेकआउट किया। डब्लू पैटर्न प्रॉपर है, डब्लू ही पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे देखो सेम पैटर्न यहाँ पे आया। यहां से हम कैलकुलेट करते हैं, उसको समझते हैं, यहाँ आया प्राइस यहाँ तक गया, प्राइस सेम प्राइस से अगेन उठा और यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। क्या ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस यहाँ पे आया क्या? नहीं आया। अब यहाँ पे जिसने भी एंट्री बनाया है वो लंबे समय के लिए छोड़ा है, वो तुरंत प्रॉफिट बुकिंग करके नहीं निकलेगा, वो छोड़ दिया है। अब वो बहुत ही एंडिंग में निकलेगा जब ट्रेंड शिफ्टिंग लेगा ऊपर से, ट्रेंड जब प्रॉपर शिफ्ट होगा तब। अब इसके ब्रेकआउट के बाद हम प्राइस को देखते हैं, क्या प्राइस ने मोमेंटम क्या क्या किया। ओके अभी मैं इसको, एक सेकेंड, यहां की ब्रेकआउट थी, ब्रेकआउट होते ही प्राइस ने एक नया हाई बनाया। जहां पे देखो एक एक चीज को समझना ध्यान से, यहाँ पैटर्न क्या क्या बन रहे हैं और कैसे कैसे चल रहे हैं। ब्रेकआउट का हाई जो बना यहाँ पे, यहां तक गया प्राइस, सस्टेंस के सस्टेंस के, अब इसको ब्रेकआउट कर दिया, यानी कि ये जो हमारा है यहाँ पे, ये फर्स्ट ब्रेकआउट है, कौन सा? ये वाला। और सडनली यहाँ पे हमें सेकेंड ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। देखो ये सेकेंड ब्रेकआउट हो गया, हाँ ये फर्स्ट ब्रेकआउट ये था W, और सेकेंड ब्रेकआउट हो गया साइडवेज मोड के बाद। अब प्राइस ने इसके बाद एक नया हाई क्या बनाया, यहाँ पे बनाया। तो अब हम इसको मार्कआउट करते हैं। ओके अब हमने जैसे इसको मार्क किया, प्राइस यहां तक आया, पुल बैक लिया, अगेन गया, प्राइस ने इसको ब्रेक किया। ओके जैसे ही प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नया हाई प्राइस ने क्या बनाया, ये बनाया, और उसके बाद प्राइस गिर गया। यहाँ पे बहुत से लोग ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेंगे, एक कांडे के नीचे एसएल रहेगा, उनका एसएल खत्म कर दिया मार्केट ने। अब यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, जो नया हाई बनाया, प्राइस आया सस्टेंस किया, ब्रेक किया, यानी कि प्राइस ने यहाँ पे थर्ड ब्रेकआउट है, यहाँ पे इसका थर्ड ब्रेकआउट है, और उसके बाद प्राइस में यहाँ पे फोर्थ ब्रेकआउट है, ये वाला फोर्थ ब्रेकआउट है। ओके अब इसी में देखो कितने ब्रेकआउट हो चुके कैंडल, इसको बहुत बारीकी से आपको समझना होगा। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस कहां तक हाई बनाया, यहां तक बनाया। वीक को भी पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्राइस क्या क्या, सडनली साइडवेज हो गया, यानी कि एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कर लिया आपने आपको। प्राइस देखो कहां पे शिफ्ट किया, डाउन ट्रेंड में आपने आपको शिफ्ट किया। देखो हायर लोअर, हायर लोअर, हाई लोअर, लो ब्रेकआउट, यानी कि इसके बाद प्राइस ने इसका ब्रेकआउट किया इस चैनल का, यानी कि ये जो डाउन ट्रेंड का है इसको प्राइस ने ब्रेक किया। लेकिन ये जो अप ट्रेंड, जो हाई बनाया था, वो जो सीधी लाइन है ना ग्रीन वाली, ये जो मिला रहा हूँ, इसको प्राइस ने अभी तक ब्रेक नहीं किया, ब्रेक प्राइस ने यहां तक किया। अब इसके बाद प्राइस आया, काफी टाइम यहाँ पे सस्टेन किया, सस्टेन किया, यहाँ पे जितने भी लोगों ने लॉन्ग करके वेट किया था, यहां तक मोर देन नजीक वाले एसएल सब खत्म हो चुके हैं। ओके अब प्राइस अगेन मोमेंटम क्या किया, फिर से यहां से एक ब्रेकआउट किया, एक हाई हायर ब्रेकआउट दिया। कहां तक का दिया प्राइस ने, यहां तक का, ये वीक को पकड़ो, यहां तक का ब्रेकआउट दिया, फिर प्राइस सस्टेंस किया, अगेन ब्रेक किया, फिर ब्रेक करने के बाद हाई कितना बनाया यहां, और फाइनली इसका ब्रेक करने के बाद प्राइस के अंदर एक अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब प्राइस जाने के बाद कि कौन से चैनल में बैठ गया जाके, इसकी ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने एक नया हाई बनाया, इसको ब्रेक किया, एंड अगेन एक पेवट, यहाँ पे बहुत बड़ा सेलिंग आया। अब प्राइस देखो बहुत बड़े एक जोन में फंस गया है। अब ये जोन की कैलकुलेशन हम देखते हैं, तो प्राइस इतने भी गए तो 5 से 6 दिन इस जोन के अंदर प्राइस फंसा रहेगा, इसी जोन के अंदर करेगा। अब अगर हमें लॉन्ग एंट्री प्लान करना है, पहले हमें कोशिश करना है यहां से हमें लॉन्ग करना है 36 से, यहाँ पे कोई भी लॉन्ग एंट्री प्लान नहीं होगा। लॉन्ग एंट्री प्लान कब होगा, जब इसका ब्रेकआउट होगा, इसके ऊपर प्राइस जाएगा तो हम लॉन्ग करेंगे, लेकिन कहां तक हम लॉन्ग कर सकते हैं, मात्र यहां तक ही हम लॉन्ग कर सकते हैं, इतनी दूर में। अगर इसका भी ब्रेकआउट करता है तो प्राइस में एक बड़ा मोमेंटम आएगा, समझे आप दोस्तों। तो इस तरीके से हमें ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है, और ये आप किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर कर सकते हो।
अगर 5 मिनट में कर रहे हो तो 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड देखो, आधे घंटे में देख रहे हो तो आधे घंटे, वन डे में देख रहे हो तो वन डे के हिसाब से। ऐसा आपको पैटर्न ढूंढना है हमेशा। अगर लॉन्ग करना है तो डब्ल्यू पैटर्न ढूंढो, और शॉर्ट करना है तो एम पैटर्न ढूंढो, आपका काम हो गया दोस्त। उसके ब्रेकआउट पे एंट्री लो और डी झिझक बैठो, देखना असली मजा, तब आप कमाओगे पूरे प्रॉफिट का। अगर आपने इस चैनल के, अगर मान लो मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे आपने एंट्री नहीं बनाया, आपने इसकी ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री बनाया, तो आप थर्ड टाइम में घुस रहे हो, दो टाइम में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, लोग होल्ड कर रहे हैं, यहाँ घुसे फोर्थ टाइम, यहाँ पे 5 6, ऐसा तो टाइम्स को गिनती मारो। 1 या 2 टाइम्स के आसपास का अगर ब्रेकआउट हो, यानी कि डब्ल्यू के बाद कोई साइडवेज हो जाए, कोई असेंडिंग, कोई डिसेंडिंग, कोई भी पैटर्न बने डब्ल्यू के बाद, उसकी ब्रेकआउट के बाद आप बड़ा प्रॉफिट करोगे, या तो डब्ल्यू के ब्रेकआउट के बाद। लेकिन अगर ये स्टेप आप गिनती मार लो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फाइव, सिक्स, सेवन स्टेप अगर प्राइस जा चुका है, तो फिर वहां पे शांत हो जाओ। रिटर्न प्राइस के अंदर एक मोमेंटम बनेगा, और वो शुरुआत अगर करता है डब्ल्यू से, तो रिटर्न एक बड़ा पंप अगेन देगा प्राइस, समझे आप। तो ऐसे आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करने हैं। आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। इसके ऊपर और भी बेहतरीन वीडियो चाहिए, जिसमें मैं पहले से चार्ट निकाल निकाल के रखूं और फिर आपको एग्जांपल्स बताऊं, तो आप और भी गहराई से समझोगे। कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करो, जरूर उसके ऊपर आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं क्लोज, और मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट दूसरी वीडियो के अंदर। अब यहाँ पे देख पा रहे हो शिवा कॉइन का हमने क्या बोला, अगर इसकी ब्रेकआउट स्ट्रांगली होता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग एंट्री प्लान करेंगे। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, अब इसके अंदर हम अपनी लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं।